السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين صانا وبالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وَالصَّاحِبَ بالجنب وابن السبيل फूरा इस शायद का तर्जा है और तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और किसी को और किसी चीज़ को उसका शरीक ना बनाओ और वालदेन के साथ बहुत एहसान करो और नीज़ रिश्तेदारों और यतीमों और मुस्किनों के साथ और इसी तरह रिश्तेदार हमसायों और बेतुक़ हमसाएँ और पहलु में बैठने वाले लोगों और मुसाफरों और जिनके तुम मालिक हो उनके साथ भी और जो मतकबर और इतराने वाला हों हरकत पसंद नहीं करता अल्लाह आज हमें ईद मनाने की तोफ़ी किता फरमा रहा है लेकिन एक मोमिन के लिए हकी ईद सिर्फ यही नहीं कि अच्छे कपड़े पहन लिए अच्छे खाने खा लिए दोस्तों के साथ मजलिश में बैठ कर खुश खुशगपियों में वक्त गुजार लिया ईद की नमाज पढ़कर समझ लिया कि अब ईद का फ़र्ज़ तो अदा हो गया इसलिए अब खुली छुट्टी है जो चाहे करो ना उस दिन वक्त पर ज़ोर की नमाज की का ख्याल, ना असर की नमाज का ख्याल, ना बाकी नमाज़ों का ख्याल, और अगर ख्याल आया भी तो जल्दी जल्दी जमा करके पढ़ ली बल्कि बाज़ लोग तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते और जब ईद की नमाज हो जाती है तो बड़े अहमाम से उठकर तैयार होकर ईद के दिन की जो दूसरी रौनकें हैं उन मसरूफ़ हो जाते हैं जैसे यही ईद का मकसद है ये मैं सिर्फ़ बात बराए बात नहीं कर रहा बल्कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते और कह देते हैं कि हमें नींद आ गई थी हम सोए रहे। याद रखना चाहिए कि ईद वाला दिन तो ज़्यादा इबादत का दिन है आम दिनों में तो पांच नमाजें फ़र्ज हैं और ईद वाले दिन छः नमाजें फ़र्ज हैं हत्या कि औरतों को भी जिन्हें ईद दिनों में नमाज़ माफ़ होती है उन्हें भी ईद वाले दिन ईदगाह जाने का हुक्म है बस ईद के दिन की बहुत अहमियत है पाकिस्तान के अहमदियों को भी दुआ करनी चाहिए कि पहले बाज़ हालात की वजह से कुछ पाबंदियाँ औरतों पर लगी हुई थी ईदगाह ना आए फिर कोविड की जो बीमारी थी इसकी वजह से और सख्ती हो गई बल्कि मर्दों पर भी बाद जगह हुकूमती तो पाबंदियों की वजह से पाबंदी लगानी पड़ी तो दुआ करें कि पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इन पाबंदियों से जल्दी ये लोग निकलें यहाँ तो इस साल दो साल बाद ईद पर आने की पाबंदी इस तरह ख़त्म है कि अपने अपने इलाके में ईद पढ़ें और सभी को आने की इजाज़त है बहरहाल आम हालात में ईद की नमाज़ की अदायगी की ख़ास हदायत है इसे भूलना नहीं चाहिए मैं ज़िक्र कर रहा था कि ईद वाले दिन सिर्फ़ एक त्यौहार मनाने की तरफ के एक मनाने की तरह जमा होने का दिन नहीं है बल्कि इसमें अल्लाह ताला ने जो हमारे स्पर्द काम किए हैं उनकी आमदनों से बढ़कर उनका आमदिनों से बढ़कर हक अदा करना ज़रूरी है अपनी इबादत के भी हक अदा करना ज़रूरी है और बंदों के हक अदा करने की जो हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है उसे अदा करना ज़रूरी है इस दिन ये ऐद करना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के हक अदा करने की भी मुस्तकिल कोशिश अब करता रहूँगा और बंदों के हक अदा करने की भी मुसलसल कोशिश करता रहूँगा तुम्हारे तभी हमारी ईदें हकीकी ईदें होंगी बस ऐसी ईदों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला ने हमें इन हक़ूक़ की अदायगी की कुरानी में बहुत जगह तवज़ तो दिलाई है अगर हम आज ईद के दिन ऐद करते हुए इन हकूक व फ़रज़ की अदायगी पर तो दें कि आइंदा हमने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है जिनका मैं तौर पर गुजर जुमो के ख़ुदबात में भी जिक्र करता रहा हूँ तो हमने अपने रमज़ान के मकसद को पा लिया और ईद मनाने के मकसद को भी पाने वाले होंगे यह आज जो मैंने दिलावत की है इसमें अल्लाह बाज फ़राइज की तरफ तो दिलाई है और ये अदा न करने वाले तकबर करने वाले और शेखी बिघाड़ने वाले और ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता बस जिन्हें अल्लाह ताला पसंद नहीं करता ना उनका दीन है ना दुनिया आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पर इसका बड़ा सख्त नज़ार फरमाया आपने फरमाया कि जिसके दिल में ज़रा भर भी तकबर होगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल होने देगा एक शख्स ने अर्ज़ किया कि इंसान चाहता है कि अच्छा कपड़ा पहने अच्छी जूती पहने खूबसूरत लगे तो ये किस उम्र में आएगा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो तकबर नहीं है आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तो खुद जमील है खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है आपने फरमाया तोबर ये है कि इंसान हक़ का इनकार करें लोगों को जलील समझे उन्हें हकारत की नज़र से देखे और उनसे बुरी तरह से पेश आए बस ईद वाले दिन अच्छे कपड़े पहनना तैयार होना खुशबू लगाना ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद हैं लेकिन उनको सखर और तकबर का जरिया बनाना ये अल्लाह तुम पसंद नहीं है इस आयत में जिन बातों की तरफ तोज्द लाकर फिर आखिर में कहा है कि अल्लाह ताला तर मुतकबर और कोरे को पसंद नहीं फरमाता इन बातों में अल्लाह ताला का हक़ भी है और बंदों का हक़ भी है अल्लाह ताला का हक है कि उसकी इबादत की जाए अब ये बेशक अल्लाह त हक़ है कि उसकी इबादत की जाए और किसी चीज़ को उसका शरीक न ठहराया जाए लेकिन इसका फ़ायदा बंदे को है लोग पूछते हैं अल्लाह ताला को इसका क्या फ़ायदा है अल्लाह ताला को उसका कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह ताला ने जगह फरमाया है कि इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत है तो ये इसलिए नहीं कि उसका अल्लाह त को कोई फ़ायदा है अल अल्ला तो अल्लाह तो बेहतरी के लिए हमें नवाजने के लिए हमारी असलाह के लिए इबादतों की तरफ हमें दिलाई है हमें बुराइयों से रोकने के लिए हमें इबादत का हुक्म है नमाजों का हुक्म है एक जगह प्रमाया इन सलाता तनहा अनिल्फा शाह वल मुनकर, वला वाला अकबर, यकीनन नमाज बेहयाई और हर नफाबाद से, से रोकती है और अल्लाह का जिक्र यकीन सब ज़िक्रों से बड़ा है बस नमाज़ों का इबादतों का अल्लाह ताला के ज़िक्र का अल्लाह ताला को याद करने का फ़ायदा हमें है और अल्लाह ताला हमें इसको बदला देता है जुदा देता है चुनाच एक रवायत में है कि एक आदमी ने आ हज़रत अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा मुल बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए और आग से दूर कर दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की इबादत कर उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा नमाज़ पढ़ जक़ात दे और सिला रहमी कर इन रिश्तेदारों से प्यार और मोहब्बत का सलूक करो बस देखें किस तरह अल्लाह नवाज रहा है दुनिया में भी नवाज रहा है और अगले जान में भी जन्नत की खुशखबरी दे रहा है फिर एक और रवायत में आता है आ हज़रत वसल्लम ने फ़रमाया जो महज लिल्ला दो ईदों की रातों में इबादत करेगा उसका दिल हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाएगा कितनी बड़ी खुशखबरी है अल्लाह की खातर इबादत करने से हमेशा के लिए इनाम मिल रहा है बस ईद सिर्फ़ ख़ुशियाँ मनाने का नाम नहीं बल्कि इन रातों की को इन रातों को इन इसकी रातों को इबादतों से ज़िंदा करने का नाम है और इससे हमेशा के लिए फिर रूहानी ज़िंदगी हासिल हो जाती है वो लोग जो समझते हैं कि रमज़ान ख़त्म हुआ अब आराम से सोएंगे कहाँ तो सैरी खाने के लिए उठते थे और इस वजह से दो नफल भी पढ़ लेते थे और कहाँ ये कि ईद वाले दिन बाज़ बल्कि बहुत से फजर की नमाज़ में भी जागने की सुस्ती दिखाए जाते हैं बीमारी को कोविड को बहाना नहीं बनाना चाहिए फज्र की नमाज़ पर मस्जिद में आए ईद वाले दिन अगर काम हाजरी थी तो जहाँ आज ईद है तो कल इस कमी को पूरा करें जहाँ कल ईद होनी ईद होनी है उनको कल भी इस बात का ख़्याल रखना चाहिए ईद वाले दिन कि नमाज पे हाज़री हो या कम से कम घरों में बच्चों के साथ सुबह उठकर वक्त पर नमाज बाजमा अदा करें हतलवसा बाजमात नमाज़ों का अहतमाम करें खास ख़ासमाम से सवार कर जैसा कि पिछले खुतों में मैंने कहा था जुमे को कि सवार कर नमाज़ों की अदायगी करें रमज़ान ख़त्म होने और आज ईद मनाने को हमें अपने इबातों से रुखत या कमी या पूरा अहतमाम न करने की इजाज़तनामा नहीं समझ लेना चाहिए ये बातें ही हैं हमारी दुनियावी और आखिरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के फजलों का वारिस बनाने की जमानत बनेगी अल्लाह ताला ने बातों की तरफ तोजह दिलाने के बाद इस आयत में हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ तोजो दिलाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि मैंने बताया था मुख्त में सिल्ल रही का इशात फरमाया था अल्लाह ताला ने तहाँ तफसील से बाज़ हकूक़ को इसम में बयान फरमाया है फरमाया वालदे के साथ एहसान करो अल्लाह ताला की रबूबियत के बाद वालदेन का सबसे बड़ा एहसान है जो उन्होंने पास पो, पाल पोस पाल पोस कर बड़ा किया ये ऐसा एहसान है जिसका बदलाव कभी उतार ही नहीं सकते यहाँ वालदे से एहसान से मुराद है कि हमेशा इनसे नरमी और प्यार से बात करो उनका इज़्ज़त एहतराम करो अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है वालदेन के बारे में कि फ़ला तकल्ल हम उफ यानी अपनी यानी उन्हें उफ भी नहीं करना उफ इंसान किसी बुरी किसी बात के बुरी लगने पर कहता है तो यहाँ फरमाया कि इन्हें किसी बुरी लगने वाली बात पर भी उफ नहीं करना दूसरी जगह फरमाया उनकी हर तरह खिदमत करो बात मानो सवायस इसके कि दीन के ख़िलाफ़ कोई बात करें खुदा तला के ख़िलाफ़ कोई बात करें यहाँ दीन मुकदम रखना है लेकिन फिर भी सख्ती नहीं करनी ये कह देना है कि मैं इस बारे में इतात नहीं कर सकता ये अल्लाह ताली का मामला है दीन का मामला है। बस ये वो सलूक है जिसका एक मोमिन को माँ बाप से करने का हुक्म है, फिर रिश्तेदारों से उसने सलूक का हुक्म है आ हज़रत सल्ला ने फरमाया कि जो रिज़ की फराखी चाहता है या जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत पड़े और उसका ज़िक्र खैर ज़्यादा हो उसे सिला रहमी का खुलक कर इख्तियार करना चाहिए अपने सगे रिश्तेदार हैं या ससुराल की तरफ से रिश्तेदार हैं उनका ख़्याल रखना चाहिए जो लोग असुदा हाल हैं बाहर के ममालिक में आकर अल्लाह ताला ने उनके हालात बेहतर कर दिए हैं उन्हें ईद की खुशियों में अपने अजीज़ों को भी शामिल करना चाहिए जिनके हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो जवाब में अच्छा सलूक करें तो तभी उनसे आसान और अच्छे सलूक का इजहार करना है बल्कि अगर वो मुस्बत रवैया ना भी दिखाएं, तब भी आसान का सलूक करना है जब एक शख्स ने आजरत सल्लाम खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं रिश्तेदारों से नेक सलूक करूँ करूँ तब भी वो तल्लुक तोड़ते हैं सही जवाब नहीं देते सही सलूक नहीं करते तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँ आपने फरमाया कि तू जो कह रहा है अगर वो सच है तब भी इसी तरह करो उनसे नेक सलूक करो ये तुम्हारा उन पर एहसान है और जब तक तुम उनसे ये सलूक करते रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता रहेगा बस तो नेक काम करना हमारा काम है और ईद की हकीकी खुशी तभी है जब ये नेक सलूक बग़ैर किसी बदले और अजर के इंसान करता रहे इसलिए इसलिए कि अल्लाह ताला उसके रसूल का हुक्म है और इसकी जुदा अल्लाह तला देता है यहाँ यह भी वादे कर दूँ कि बाद मर्द अपनी बीवियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने से रोकते हैं हती के माँ बाप से भी मिलने से रोकते हैं यानी बीवियों के रिश्तेदार माँ बाप ये इंतहाई जहालत की बात है, छोटी छोटी बातें और रंजिशें दिल में रख कर कि बीवी के भी भी की भाई ने फलां मौके पर यह कह दिया उसकी बहन ने वो कह दिया माँ बाप ने फलां मौक़े पर मेरे या मेरे माँ बाप से असर हो गया दिखाया फलाँ के चचा या मामू ने इस तरह बात की ये सब जहालत की बातें हैं एक मोमिन का शेवा नहीं इस किस किस्म की सोचें रखें और ये बातें उन सामने आती रहती हैं बस अगर अल्लाह ताला को खुश करना है अल्लाह ताला की मदद मदद हासिल करने वाला बनना है तो फिर इन लगव और बेहुदा बातों को छोड़ना होगा जो इंसान अल्लाह ताला की, की ख़ातर बज़ाहिर नीचा होकर दूसरे को सलाम भी करता है सुलह में पहल करता है वो अल्लाह ताला के फ़जलों का वारिस बनता है बस इस तरफ भी हर अहमदी को खास तोजह देनी चाहिए इसी तरह आपस में मियाँ बीवी के तलुकत हैं घरों में छोटी छोटी बातों पर जो रंजशियाँ हो रही होती हैं उन्हें भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए मर्द को अगर हुक्म है कि औरत से उसने सलूक करे तो औरतों को भी हुक्म है कि अल्लाह त अपने अंदर कनात पैदा करें और अपने घरों को संभालें फिर बात की तरफ तो जाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि यतीमों और मस्किनों का ख्याल रखो ये एक बहुत अहम काम है जिसकी तरफ हर अहमदी को तोज् देनी चाहिए अगर ख़ुद किसी यतीम को नहीं भी जानते तो जमात में इतमा फंड है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए ईद की खुशियों में यतीमों को शामिल करें इसमत में चंदा देना चाहिए आ हजरत सल्ल ने यतीम की परवरिश करने की हम बयान करते हुए फरमाया कि मेरा और यतीम की परवरिश करने वाले वाला करने वाला मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूँ इकट्ठे होंगे जैसे हाथ की दो उंगलियाँ इकट्ठी होती हैं उन्होंने इशारा करके फरमाया उंगलियों का बस ये जारी ने किया ही हैं इसमें भी ज़रूर शामिल होना चाहिए इसी नज़त में और भी इमदाद के पास फंड हैं शादी फ़ंड है मरीज़ों के फ़ंड हैं तलबा की तलीम के फ़ंड हैं इसमें जिनको तफीक हो लेना चाहिए फिर मस्किनों की परवरिश की तरफ भी तोजो दिलाई अल्लाह फरमाता है कि मोमिन अल्लाह ताली की रज़ा के लिए यतीम और मस्किनों को खाना खिलाते हैं आ हज़रतल ने भी फरमाया कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो हो जाए तो मसाकिन को खाना खिला और यतीम के सर पर हाथ रख और स्नेकियों की तोफ़ी मिलने और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए ये ख़िदत ख़ल के काम एक मोमिन को अपने पर फ़र्ज करने चाहिए और ईदों के मौके पर ख़ास तौर पर इसका ख़्याल आना चाहिए और ये मदद सिर्फ़ ईदों के दिन के लिए नहीं बल्कि जिनको तोफ़ी है मुस्तकिल उन्हें करते रहना चाहिए फिर तो हमसायों से उसने सलूक का हुक्म है अगर हमसायों की हकीकत समझ कर फिर उनके हक अदा करने की कोशिश इंसान करे तो दुनिया से फसाद ही ख़त्म हो जाए और एक मोमिन के लिए हकी तो है ही उस वक्त जब दुनिया से फसाद ख़त्म हो। हमसाए की क्या तारीफ़ है हजरत मसीम ने एक मौके पर फरमाया आप फरमाते हैं कि सौ को उस तक भी तुम्हारे हमसाएँ हैं सौ मील तक इर्द गिर्द तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हारे हमसाए हैं इस तारीफ़ के तहत तो कोई हमसाये कि से बाहर नहीं रहता आ हज़रत सल वसम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी तारीफ़ करें तो तुम अच्छे पड़ोसी हो बस ये अच्छी हमसायी का मैार और ये वो मैार है जिससे माशरे में मोहब्बत और प्यार कायम होता है और इसमें कोई तखसीस नहीं है कि हम मज़हब है या गैर मजहब वाला बल्कि बाद लोग तो मैंने देखे हैं कि यहाँ अपने गैर मज़हब हमसायों से ज़्यादा अच्छा सलूक करते हैं और अपने अहमदियों से उनके तलक अच्छे नहीं हैं ये रंजिशें भी ईद के हवाले से हमें दूर करनी चाहिए फिर अपने साथ बैठने वालों के साथ उसने सलूक का हुक्म है अपने साथ काम करने वालों के साथ उसने सलूक का हुक्म है अगर इस हुक्म पर हर एक अमल करने कर, करने लग जाए तो तबलीग के भी नए रास्ते खुलेंगे और जब ये तबलीग के रास्ते खुलें तो फिर वही ईद हकीकी ईद बन जाएगी यहाँ मगरब में मग़रबी ममालिक में आज कल इस्लाम के, के ख़िलाफ़ वकता फोकता उबाल उठता रहता है यहाँ हमें अपने अखलाक से ही लोगों को इस्लाम की सही तालीम दिखानी होगी फिर अपने महतों और कमज़ोरों से उसने सलूक का हुए अपनों के साथ भी और गैरों के साथ भी इस्लाम कहीं ये नहीं कहता चाहे तुम्हारे करीबी सिर्फ तुम्हारे हम मज़हब या हम कौम हैं उन्हीं से इस मसलूक करो करो बल्कि वो इंसानी हकूक़ की बात करता है रिश्तेदारों के हकूक़ की भी बात करता है और गैर रिश्तेदारों के हकूक़ की भी बात करता है हमसायों के हकूक़ की भी बात करता है हमसा और वो हमसाए जो तुम्हारे साथ हैं और वो हमसाए जो दूर के हैं उनके हकूक की बात करता है बल्कि वो भी हमसाए हैं जो उनके भी हकूक़ की बात करता है जो किसी सफ़र में तुम्हारे साथ थे फिर महरूमों और कमज़ोरों के हकूक़ की भी बात करता है तुम्हारे मतहतों के हकूक़ की भी बात करता है कौन सा हक है जो इस्लाम ने छोड़ा है? इन हकूक़ का दूसरी आयात में भी ज़िक्र है फिर तो तो हकूक़ के कायम करने के लिए एक खूबसूरत तालीम जो रुक्राने करीब ने बयान फरमाई है वो है अदर और इंसाफ की तलीम और इस तफसील से वो बयान की है कि जिसकी मिसाल नहीं कई मौके पर बयान फरमाया मसलन एक जगह फरमाया कि ऐसी सच्ची इंसाफ कायम करने के लिए दो कि चाहे अपने खिलाफ या अपने वालदेन के खिलाफ या करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ देनी पड़े तो दो दो जैसा कि फरमाया या यूहदीना मनु कनु कवा मीना बिलकस्त शहदा आलाफिक अविल वाल वक्रबीन या ईमानदार हो तुम पूरी तरह इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले पन जाओ गो तुम्हारी गवाही तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो या वालदेन या क़रीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ पढ़ती हो ये वो बातें हैं जो माशरे का अमन कायम रखती हैं और हसीन माशरे को जन्म देती हैं ये वो बातें हैं जो हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए करते हैं तो दुनिया को ही जन्नत बना देती हैं ये वो ईद है जो हकी ईद है जब हमें इस दुनिया में जन्नत मिल जाए कि अल्लाह तंदों के हक उदा करके हम दुनिया को जनत नज़ीर बना सकते हैं असल नेकी जिसकी इस्लाम हमें तालीम देता है यही है कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए ना कि अपने हक हासिल करने के लिए इस दुनिया में फसाद पैदा किया जाए यही एक मोमिन की शान होनी चाहिए कि ये कोशिश करे कि उसके ज़िम्मे किसी का हक बाकी ना रहे ये जायज़ा लें अपना कि मेरे दिन में किसी का हक़ हाँ तो बाकी नहीं जा रहा तलाश करें हक हाँ। सिर्फ़ हक़ हाँ ये नहीं है किसी को कर्ज देना है बल्कि हक हाँ ये है कि अपने जितनी रिश्तेदार हैं सलाहियतें हैं अखलाक हैं उनसे दूसरे के साथ सलूक करना और अच्छा सलूक करना दूसरों के दुखों और तकलीफ़ों को महसूस करें और यही चीज़ें हमारी ईद को हकीकी ईद बना सकेंगी सिर्फ एक दिन की ईद नहीं बल्कि ऐसी ईद जो अल्लाह ताला की रजा हासिल करके दायमी ईद बनेगी फिर ईद के मौके पर दुनिया की अमूमी फ़िक्र भी हमें करनी चाहिए इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए सिर्फ अपनी खुशियों में ही इतना ना इतमान इतमान ना हासिल कर लें दुनिया आज कल तबाही की तरफ जा रही है हमें इसकी फिक्र है और होनी चाहिए कि इंसानियत को बचाना भी हमारा काम है ये सब इसलिए हो रहा है कि इंसाफ़ के तकादे पूरे नहीं किए जाते दूसरों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता अगर अहदों की पाबंदी होती अगर हर सतह पर इंसाफ कायम इंसाफ़ करने और हकूक़ अदा करने की कोशिश होती इंसाफ़ को हकी रंग में कायम किया जाता अगर हकूक़ की अदायगी का हक अदा किया जाता तो ना हम इराक़ की तबाही देखते ना शाम की तबाही देखते ना लीबिया की तबाही देखते ना यमन की दवाही देखते ना अफग़ानिस्तान की तबाही देखते जो जो हाल हुआ है आजकल इनका जो देखते और ना अब जो यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसको देखते बस जैसा कि मैंने कहा ये हकूक़ की अदायगी का सही इदराक़ हासिल करना और दुनिया को इस्लाम की तलीम का सही तौर पर बताना इसका पता देना और ख़ुद इस पर अमल करना यह तबलीग के नए रास्ते खोलेगा और दुनिया को बचाने का भी ज़रिया बनेगा हमें इस खास तो देनी चाहिए दुनिया तो अपनी तबाही पर तुली हुई है कोई इनको ख्याल नहीं है इनके नज़दीक दुनियावी ताकत और इसका इजहार ही और अपनी बर्तरी को साबित करना ही उनकी ज़िंदगी और बका की ज़मानत है लेकिन नहीं जानते ये इनकी बकाव की नहीं बल्कि तबाही को यकीनी बना रही है यह भी खुशफहमी लगती है कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे या इसका इम्खान कम है धमकियाँ तो इस हवाले से एक दूसरे को दे रहे हैं ये बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इस्तेमाल होंगे या नहीं लेकिन ये यकीनी बात लग रही है कि तबाही और बर्बादी की तरफ बड़ी तेज़ी से ये लोग बढ़ रहे हैं और इसका आखिरी नतीजा तबाही और बर्बादी होना ऐसे में एक ही चीज़ है जो दुनिया को तबाही से बचा सकती है और वो अपने पैदा करने वाले खुदा की पहचान है और उसकी तरफ़ आना है दुनिया को तो ना इस बात का इतराक है ना इसका इलम है ये अहमदियों की जिम्मेदारी है कि इन इनको इस रास्ते की तरफ रहनुमाई करें ये हकूकला और बात की अदायगी ही इनको बताएं कि ये अदायगी हकूक़ की अदायगी तुम्हारी बका की जमानत है तुम्हारी ताकतें नहीं अवाम्नास को यह बताना होगा कि किस किस तबाही की तरफ तुम्हारे लीडर तुम्हें लेकर जा रहे हैं पस्तवली के रास्ते नए अंदाज़ से हमें हालात के मुताबिक खोलने चाहिए अपने अपने हलके में लोगों से रबता करके रहनुमाई करनी होगी सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातें जो हम करके वक़्त ज़ाया करते हैं उसके बजाय तमीरी बातें करें इन बातों पर वक़्त ज़ाया करने के बजाय खुदा तला की तरफ आने की तरफ रहनुमाई करें ये बताएं कि ये हकीकत है खुदा तला की तरफ आओगे तो तुम्हारी बका है अगर तुम्हें अगर हम ये चीज़ें बात कर ये काम कर लें दुनिया को इस तरह बता दें तो जहां हम अपने घरों अपने शहरों अपने मुल्कों में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे होंगे दुनिया को भी दुबई से बचाकर कर खुशियाँ देने वाले होंगे दुनिया को तबाही से बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि इसे खुदा ताला की पहचान करवा कर उसका हक अदा करने वाला बना दें और उसके लिए हमें अपनी हालतों को भी आलम मैारों तक ले जाना होगा और यही हकीकी ईद है यही ईद है जिसके मनाने के लिए अल्लाह आ हज़रत अलैहि वसल्लम के ग़ुल सादिक़ को ज़माने की असलाह के लिए भेजा था और आपने इस बारे में दुनिया को बार बार मतलब किया है इस वक्त मैं हज मुस्लिम मौत को भी एक मुसर हवाला पेश करना चाहता हूँ जो किसी ने डिटेल फसल को भेजा था खुतबा का ईद के खुतबा का हवाला है छपा हुआ है ये और इतफाक से ये भी ईद जो थी ईदालफ़ितर दो मई को उन्नीस सौ सतावन में दो मई को हुई थी हज मुस्लिम मौत ने बीमारी को ऐसे बड़ा मुख्य खुतबा दिया था और लेकिन उसका भी मैं खुलासा पेश कर देता हूँ वो भी तबलीग के हवाले से क्या दर्द होना चाहिए हमारे अंदर तबलीग का किस तरह हमें दुनिया को शेयर करना चाहिए और किस तरह हमें हम हकीकी रंग में अपने अहमदी मुसलमान होने का कदा कर सकते हैं और फरमाया कि हमारी ईद दरअसल वही हो सकती है जो महम्मद रसूल वसल्लम की ईद हो अगर हम ईद मनाएं और मोहम्मद रसूल वसल्लम ना मनाएं तो हमारी ईद कता ईद नहीं कहलाती कहला सकती नमाया एक मुसलमान के लिए चाहे मोहम्मद रसूल सल्ला वसम की वफ़ात पर तेरह सौ साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है अगर इसकी ईद में मोहम्मद रसूल सल्लम शामिल नहीं अगर और अगर वो इस ज़ाहरी ईद पर मतम हो जाता है तो इसकी ईद किसी काम की नहीं मोहम्मद रसूल वसल्लम की ईद सोयाँ खाने से नहीं आती ना शीर खुरमों से खाने से आती है बल्कि उनकी ईद क़ुरान और इस्लाम के फैलने से आती है अगर क़ुरान और इस्लाम फैल जाए तो हमारी ईद में मोहम्मद रसूल अल्लाह सल वम भी शामिल हो जाएंगे खुश होंगे कि जिस जिस मिशन को लेकर मैं आया था आप आपल्ली खुश होंगे कि जिस मिशन को मैं लेकर आया था अभी तक मेरी उम्मत ने उसे कायम रखा हुआ है बस कोशिश करो कि इस्लाम की इशात इस हो क़ुरान की इशात हो ताकि हमारी ईद मोहम्मद रसूल सल व्म हमारी ईद में मोहम्मद रसूल सल भी शामिल हों बेश हम तबलीग करते हैं लेकिन इसका हकदा करने के लिए हमें पहले से बढ़कर कोशिश करने की ज़रूरत है हम नहीं कह सकते कि जिस तरह तबलीग का हक हाँ है हमारी औलादों में भी वो तड़प और रूह है जो पहलों में थी या हमारे अंदर भी वो तड़प और रूह है जो पहलों में थी जब तक हम तबलीग की ये तड़प और रूह अपनी औलादों में और अपने अंदर पैदा नहीं कर लेते हम हकीकी ईद जो हज़रत मोहम्मद रसूल सल्ला वसम की ईद है नहीं मना सकते बस ये पैगाम भी हमें हमेशा सामने रखना चाहिए कि ये रूह हमने आगे अपनी नस्लों में मुंतकिल करनी है अपने अंदर भी पाक तबलियाँ पैदा करने की तो जो देनी है अल्लाह ताला की इबादत का भी एक अदा करने वाले बनना है और उनको भी कहना है कि वो अदा करने वाले बने अपनी नस्लों को हकुल इबाद भी अदा करने वाले हों वो और कुरान और इस्लाम की तलीम को दुनिया में फैलाने के लिए भरपूर कोशिश करने वाले भी हों और फिर ये रूह नस्ल बाद नस्ल आगे मुंतकिल करते चले जाने वाले हों ये रूह आगे मुंतकिल करनी है हमने और उस वक्त तक हम चैन से न बैठें जब तक तमाम दुनिया में दुनिया पर इस्लाम और मोहम्मद रसूल झंडा ना लहराने लगे अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे कि हम ऐसी ईदों के नज़ारे देखने वाले हों ऐसी ईदों के हसूल के लिए अपनी तमाम तर को और कोशों को अमल में लाएँ अब दुआ होगी अल्लाह ताला। दुआ में असीरान की लिटाई के लिए भी दुआ करें शहदा शहीद शहदा की ख़ानदानों के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनका का नासिर हो जमात के लिए माली कुर्बानी करने वालों के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनके अल्ला तक में इंतहा पर को फरमाए वाकफी जिंदगी के लिए दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें वक्फ की रूह को कायम रखते हुए एक जोश और जज्बे से काम करने की तोहफ़ी के फरमाए और उनके अंदर एक ही तड़फ हो उ जो मैदान अमल में हैं कि हमने हजरत मोहम्मद रसूल सल वसलम का झंडा दुनिया में लहराना है और दुनिया को तोहैद के झंडे के नीचे लेकर आना है अल्लाह हमारी हकीर कोशों हकी, में बेानतहा बरकर डाले और हम इस्लाम और मोहम्मद रसूल वसल्लम के गलबा को दुनिया में जल तर देखने वाले हों الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وادوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें।